हेलो दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेज आरआरबी जेई सीबीटी 2 का क्लासेज चल रहा है दोस्तों, जिसमें ध्यान दीजिएगा आज का लेक्चर आरआरबी जेई सीबीटी 2 का 17वां लेक्चर है दोस्तों। ऑलरेडी इससे पहले 16 लेक्चर इस चैनल पे प्रोवाइड हो गया है, जिसमें आज का टॉपिक इंक्लूड किया गया है इंटरनेट ईमेल। इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ये आप लोगों के लिए होने वाला है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का टॉपिक है दोस्तों इंटरनेट। इसमें ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस से सभी से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अब तक के आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इसमें दोस्तों जैसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर या मेट्रो के एग्जाम या जितने टेक्निकल एग्जाम में आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन का कलेक्शन करके इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसका दोस्तों कंप्यूटर का 11वां लेक्चर है। ऑलरेडी 10 लेक्चर कंप्यूटर का भी अपलोड इस चैनल पे हो गया है। जो स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे ये सभी आपको दोस्तों सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग सही तरीका से दोस्तों सीरियस तरीका से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वीडियो देखना बहुत ही मस्ट है। अब एक बार सिलेबस दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। बेसिक इन्वायरमेंट का सभी टॉपिक आपको करवा दिया गया है। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट टॉपिक है, देख सकते हैं यहाँ तक करवा दिया गया दोस्तों। इंटरनेट एंड ईमेल, जिसमें दोस्तों इसको जो है इंटरनेट एंड ईमेल को दो पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। पार्ट वन में दोस्तों लगभग 50+ क्वेश्चन है, पार्ट टू में भी लगभग 50+ क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए जो है इंटरनेट ईमेल का सेकंड पार्ट भी आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। प्रत्येक दिन इस चैनल पे दो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड हो रहा है, जो कि सभी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर के क्लासेज ओवर होने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का जो आपका साइंस का चैप्टर है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है दोस्तों सभी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल के साथ में आपको डील किया जाएगा। इसलिए इस चैनल को डेली आप लोग फॉलो करते रहिए और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी आप लोग को जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को एक बार दिल से जरूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करके दोस्तों वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। और दोस्तों जो है वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हर किसी को फायदा हो सकेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, भीच नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल। जो कंप्यूटर सीएस का स्टूडेंट होंगे या आईटी का स्टूडेंट होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दोस्तों, वो सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से जो है अनुभव होंगे, क्योंकि ये सभी दोस्तों उन लोगों को सेमेस्टर के एग्जाम में जो है करवाया जा चुका होता है। बीच नेटवर्क यूज टू सेंड ईमेल दोस्तों, उसमें एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। कौन सा? एसएमटीपी। कहीं कहीं दोस्तों इसका जो है अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, याद कर लीजिएगा एसएमटीपी। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता भी है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये सभी दोस्तों एसएमटीपी, टीसीपी दोस्तों, आईपी, ये सभी जो है प्रोटोकॉल है, जिसमें एसएमटीपी जो होता है ईमेल के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द ऑपरेशन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डाटा मैनेज भीच हार्डवेयर कंपोनेंट, कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क का दोस्तों डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये जो है हार्डवेयर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द एड्रेस गिवन टू ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेटवर्क से जुड़े एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहा जाता है, उसको आईपी एड्रेस बोला जाता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, आईपी एड्रेस दोस्तों कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश ना कीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और यही सब क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होते हैं अक्सर एग्जामों में। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू ब्राउज थ्रू वेब पेज इज कॉल्ड, हमें वेब पेजों में ब्राउजिंग की अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों ब्राउजर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ब्राउजर। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू ब्राउज थ्रू वेब पेज इज कॉल्ड ब्राउजर, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक ब्राउजर है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसके द्वारा सर्वर पर दोस्तों कुछ भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वेब ब्राउजर। व्हाट इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू ब्राउज थ्रू वेब पेज इज कॉल्ड वेब ब्राउजर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इंटरनेट में कनेक्ट होने पर हर बार विभिन्न आईपी एड्रेस को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से कौन सा? वो होता है दोस्तों डीएचपीसी। किसका? डीएचपीसी का यूज होता है डीएचसीपी। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है दोस्तों, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, यह भी प्रोटोकॉल है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दोस्तों एक दो क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ, हिंदी में है, नेक्स्ट सभी क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे दोस्तों, दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण था, इंग्लिश में मिल नहीं रहा था इसलिए इंक्लूड कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सेवंथ नंबर, एक कंप्यूटर वायरस इजे, एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है दोस्तों? वायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर ही होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर के लिए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे दोस्तों, उसको डाउनलोडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाउनलोडिंग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट से आप अपने कंप्यूटर में या फिर इंटरनेट से अपने मोबाइल में किसी चीज को डाउनलोड करते हैं, डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो वो जो होता है उसको डाउनलोडिंग प्रोसेस बोला जाता है। अब वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है दोस्तों? एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फॉर यूजिंग पासवर्ड ऑन द इंटरनेट ए सॉफ्टवेयर इज यूज सो दैट द पासवर्ड इज नॉट इंटरसेप्टेड इजली इज कॉल्ड, इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोला जाता है इनक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? इनक्रिप्शन उसको बोला जाता है। फॉर यूजिंग पासवर्ड ऑन द इंटरनेट ए सॉफ्टवेयर इज यूज सो दैट द पासवर्ड इज नॉट इंटरसेप्टेड इजली, उसको इनक्रिप्शन बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिस्टम ऑफ डिजिटल रूल फॉर एक्सचेंजर एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा बिटवीन वेरियस डिवाइस इज कॉल्ड, विभिन्न युक्तियों के बीच आंकड़ों का संसाधन तथा विनिमय के लिए अंकीय नियम की प्रणाली को क्या कहते हैं? थोड़ा सा हिंदी में अटपटा सा वर्ड रहता है दोस्तों। ए सिस्टम ऑफ ए डिजिटल रूल फॉर एक्सचेंजर एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा बिटवीन वेरियस डिवाइस इज कॉल्ड, उस डिवाइस को बोला जाता है प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस को दोस्तों जो अपने नोट्स के बीच जो है संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क के सब पार्ट है, उसको प्रोटोकॉल बोला जाता है, उस डिवाइस को क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज, इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एट नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका सुरक्षा वालों के नेटवर्क के रूप में किया गया था। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट इज इनिशियली स्टार्टेड एज नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, और ये कब किया गया था? इस भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में,
ध्यान दीजिएगा, 1969 में किया गया था, जबकि दोस्तों भारत में इसका आरंभ हुआ था 1995 में। कब हुआ था? इंडिया की बात करते हैं 1995 में हुआ था, 15 अगस्त 1995 को BSNL दोस्तों जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में आइए। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग, जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग को ये पता होगा। वेन बी ओपन एन इंटरनेट साइट, बी सी डब्ल्यू 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 जो दिखता है दोस्तों उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत बार न जाने ये क्वेश्चन को एग्जामिनर कितनी बार ये जो है रिपीट किया है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज, इंटरनेट को इनिशियली कहाँ स्टार्ट किया गया था? ये नेटवर्क फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स इज ग्लोबल सिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंटल एकेडमिक कॉरपोरेट पब्लिक एंड प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। ये होता है दोस्तों इंटरनेट का यूज। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड गवर्नमेंटल एकेडमिक कॉरपोरेट पब्लिक एंड प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। किसका यूज होता है? इंटरनेट का। ये प्रीवियस लेक्चर में करवाया जा चुका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंटरनेट एक्स्ट्रानेट ये सभी करवाया जा चुका है दोस्तों। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांट द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? उस नेटवर्क का नाम बताइए दोस्तों। उस नेटवर्क का नाम था अर्पनेट। कौन सा? अर्पनेट। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पनेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। ये एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना था, बेस बना था, जो 1970 में TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क का साइज को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, वो है सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइंस यूज्ड फॉर द नेटवर्क इज टेक्निकली कॉल्ड, सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइंस यूज फॉर इंटरनेट इज टेक्निकली कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नीटिकेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? नीटिकेट बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम तथा दिशा निर्देश को समूह को टेक्नोलॉजी रूप में नेटिकेट नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। याद कर लीजिएगा, NETIQUE इसका सटीक मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ दीज इज नॉट ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन चार आपको ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कौन सा एक जो है वेब ब्राउजर नहीं है। आई थिंक सभी लोग कमेंट कीजिएगा लिनक्स, ये जो है ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया गया इससे प्रीवियस लेक्चर में। लिनक्स जो है दोस्तों वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि दोस्तों वेब ब्राउजर जो महत्वपूर्ण है उसका नाम बता देना चाहता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम, ये सभी दोस्तों क्या है? वेब ब्राउजर है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है? चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें से ब्राउजर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा वेब ब्राउजर है। वो है सफारी। सफारी एक वेब ब्राउजर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सफारी क्या है? सफारी एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, गूगल क्रोम इज ए, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम इज ए, गूगल क्रोम एक दोस्तों वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गूगल कंपनी द्वारा दोस्तों कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2008 के सितंबर माह में एक नया ब्राउजर बनाया था क्रोम दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। नेटस्केप नेविगेटर इज, नेटस्केप नेविगेटर एक क्या है? नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर, याद कर लीजिएगा जिन्हें याद नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है जो पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउजर था, नेटस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 22 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए वेब ब्राउजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए वेब ब्राउजर। क्रोम वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ओपेरा भी है, हैंड हुप नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हैंड हुप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना कि वेब ब्राउजर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 23 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए वेब ब्राउजर, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए वेब ब्राउजर, नेटस्केप नेविगेटर, नेट सर्फ, ओपेरा, सभी वेब ब्राउजर है। XML जो है दोस्तों वेब ब्राउजर नहीं है। XML एक वेब ब्राउजर नहीं है, एक मार्कअप भाषा लैंग्वेज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए वेब ब्राउजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए वेब ब्राउजर। चार ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। HTML वेब ब्राउजर नहीं है दोस्तों। ये हाइप, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, नोट डाउन कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये एक प्रकार का लैंग्वेज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सफारी क्या है? 25th नंबर क्वेश्चन। सफारी इज ए, सफारी क्या है दोस्तों? सफारी एक वेब ब्राउजर है। क्या है? सफारी एक वेब ब्राउजर है। किसका वेब ब्राउजर है दोस्तों? एप्पल कंपनी ने सफारी नाम का एक वेब ब्राउजर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 26 नंबर क्वेश्चन। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जनरली रेफर टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन द वेब दैट कैन एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड बाय। क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब ब्राउजर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वालों को संदर्भित करती है। वो कौन करती है दोस्तों? वो वेब ब्राउजर का काम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्लाइंट साइड। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री इंसाइक्लोपीडिया रिटेन कोलैबोरेटिव बाय द पीपल हु यूज इट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त इंसाइक्लोपीडिया है, फ्री इंसाइक्लोपीडिया है, जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है, वो कौन सा है इंसाइक्लोपीडिया? उसका नाम है विकिपीडिया। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, विकिपीडिया। विकिपीडिया कब हुआ था दोस्तों? 2001 में हुआ था। विकिपीडिया को 2001 में जिम्मी बेल्स और लेरी सेगर, ध्यान दीजिएगा, जिम्मी बेल्स और लेरी सेगर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, रेमंड सैमुअल टॉमिलसन इज ए फेमस फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। रे टॉमिलसन, इसका शॉर्ट फॉर्म जनरली सभी जगह लिखा जाता है। रे टॉमिलसन किसका खोज किया था दोस्तों? अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है ईमेल के जन्मदाता है, ईमेल को खोज किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ईमेल को डेवलप किया था दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, रेमंड सैमुअल टॉमिलसन। रे टॉमिलसन दोस्तों ये अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता कुछ इस तरीका से रहता है दोस्तों, तो mars.org दर्शाता है, ये क्या चीज को दर्शाता है? blutter@mars.org ये जो है दोस्तों किस चीज को दर्शाता है वो आपसे पूछा जा रहा है। ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है डोमेन के नाम को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डोमेन के नाम को mars.org तो जो है इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
देख सकते हैं एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसीलिए इस चैनल पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, वैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसीलिए डेली हैबिट बनाइए कि जो भी वीडियो जेई के लिए खास करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया हूँ वो सभी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेने का, क्योंकि 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो सभी क्वेश्चन आपको दोस्तों दिमाग में याद हो जाएंगे। ठीक है, ये जो पूछ रहा है दोस्तों pashma@yahoo.com, ये जो है किस क्या है आपसे पूछा जा रहा है, ये फॉर्मेटिंग क्या है दोस्तों, किस किसका फॉर्मेट है ये लिखने का, ये ईमेल एड्रेस है, क्या है ईमेल एड्रेस है। आई थिंक सभी लोगों को पता होगा दोस्तों याहू का ये टैग लगा हुआ याहू का ईमेल एड्रेस है दोस्तों। ठीक है, @yahoo.com @gmail.com वो जो होता है जीमेल का ईमेल एड्रेस होता है। यहाँ पे जो है दोस्तों ईमेल एड्रेस है, ईमेल में @ के पहले आने वाला भाग यूजर नेम होता है दोस्तों, ये जो है आपका यूजर नेम है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और @ के आने वाला भाग जो है डोमेन नेम होता है, ये जो है डोमेन नेम है। ठीक है, इसी दोनों को मिलाकर के ईमेल एड्रेस बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ये ईमेल एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। करेक्ट फॉर्मेट ईमेल एड्रेस का क्या होता है, करेक्ट फॉर्मेट होता है दोस्तों sales@website.info, sales@website.info ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, मान लेते हैं xyz@gmail.com, ऐसे कुछ हम लोग ईमेल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, ये जो xyz क्या है दोस्तों सेल्स है, website.info क्या है यहाँ पे ईमेल ईमेल के पते का सही रूप है website.info, ये जो है ये भी जो है ईमेल का ही सटीक फॉर्मेट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 33 नंबर क्वेश्चन, टेलनेट सर्विस इनेबल एन इंटरनेट यूजर फॉर, टेलनेट सर्विस एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है दोस्तों, क्या करती है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो रिमोट लॉगिन करती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। टेलनेट सेवा किसी स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से दूर कर दोस्तों दूरस्थ कंप्यूटर को स्थित डाटा सूचना का संशोधन करने में यूज किया जाता है, जिसे रिमोट लॉगिन भी इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 34 नंबर क्वेश्चन, जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करें ताकि मैं समझू को जो आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ कहीं सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत से स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं पर शेयर करने करते नहीं है दोस्तों, शेयर करने की कोशिश जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही दोस्तों और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाएंगे, देख सकेंगे। ठीक है, यानी वीडियो को देखना भी है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू सर्विस सर्वर एंड नेटवर्किंग डिवाइस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से दोस्तों किसका प्रयोग करके सर्वरों और नेटवर्किंग डिवाइसेस को रिमोट एक्सेस देने के लिए यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है दोस्तों टेलनेट का यूज करके, किसका यूज करके, टेलनेट का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन पे, ये यूजनेट सर्विस इनेबल ए ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर, इंटरनेट यूजर के समूह के लिए यूजनेट सर्विस सक्षम है, किसका सक्षम है दोस्तों, ये सक्षम है क्या करने के लिए, टू एक्सचेंज व्यू इंफॉर्मेशन ऑन सम कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरनेट इंटरेस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यूजरनेट दोस्तों यूजनेट जो है यूजर नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है दोस्तों, यह इंटरनेट आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिससे अनेक वेबसाइटों को इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम की तरह कार्य किया जाता है जोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय, VVI इस क्वेश्चन को लगाइए, अक्सर एग्जाम में दिखने को मिलता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ये इन्वेंट किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, किनके द्वारा दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था, कब किया गया था, 1889 में किया गया था, उन्नीस सौ नवासी में। ठीक है दोस्तों, WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में किया गया था दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन पे आइए। http://www.rediff.com ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है। ये क्या है दोस्तों, अक्सर सभी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, सभी लोग जानते होंगे क्या है। ये है दोस्तों वेबसाइट का फॉर्मेट है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। HTTP के फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है अक्सर दोस्तों एग्जाम में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और WW को तो आप लोग को पता ही होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं। ये जो है पूरा सटीक जो है वेबसाइट का फॉर्मेट है, www.rediff.com या फिर www.studyindiaadda.com ऐसे जो होगा फॉर्मेट दोस्तों वो वेबसाइट का फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चूज ऑड मैन आउट, इनमें से विषम का चयन करना है। वो है दोस्तों साइबर स्पेस इंटरनेट www.html, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। साइबर स्पेस इंटरनेट एवं www दोस्तों नेटवर्क से रिलेट करता है, जबकि html क्या है, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है, भाषा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डाटा एंट्री ऑन ए वेब पेज कैन बी डन बाय, वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित के प्रयोग से किया जाता है। किसका प्रयोग से किया जाता है दोस्तों, फॉर्म्स के, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। डाटा एंट्री एक डाटा एंट्री वेबसाइट जिसे फॉर्म साइट भी कहा जाता है दोस्तों, वेब पेज पर एक पृष्ठ से उपयोगकर्ता जो है कुछ अपनी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देता है। वेब पृष्ठ पे दोस्तों एंट्री करता है, फॉर्म के प्रयोग से किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। डाटा एंट्री ऑन द वेब पेज कैन बी डन बाय यूजिंग फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है FTP इज यूज फॉर, FTP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों। FTP जो है अपलोड डाउनलोड डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है दोस्तों, जो कि अपलोड या डाउनलोड फ्रॉम वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ओवर द इंटरनेट के जरिए डाटा को अपलोड या डाउनलोड किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको पहचानना है कौन वेब ब्राउजर नहीं है, क्रोम है, फायरफॉक्स, मैक वेब, FTP, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या है दोस्तों, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 45 नंबर क्वेश्चन, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ETC बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी ई सर्विस है, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ई कॉमर्स, बैंकिंग, एम सर्विस, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स ई सर्विस है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फ्लिपकार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वेबसाइट, फ्लिपकार्ट किस प्रकार का वेबसाइट का उदाहरण है। फ्लिपकार्ट जो है दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट है, कौन सा, ई कॉमर्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 47 नंबर, व्हाट इज ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना दोस्तों ई कॉमर्स कहलाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 48 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल इज कॉल, मोबाइल के जरिए धन राशि के ट्रांसफर को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है दोस्तों, उस प्रोसेस को बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, IMPS, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है दोस्तों, तत्काल भुगतान सेवा हिंदी में इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, मोबाइल ट्रांसफर थ्रू, मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल इज कॉल्ड IMPS, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द NEFT एंड RTGS अबाउट, NEFT और RTGS क्या है,
एनईएफटी और आरटीजीएस दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू बैंक है, बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एनईएफटी और आरटीजीएस का अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन वो है दोस्तों इनसाइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इनसाइड ऑनलाइन गेटवे का उदाहरण नहीं है, जबकि पेपल, सीसी एवेन्यू तथा साइट ऑनलाइन गेटवे का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू एक्सेस योर बैंक अकाउंट फ्रॉम मोबाइल डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देता है। वो है दोस्तों मोबाइल बैंकिंग, उसे क्या बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिससे हम लोग मोबाइल से अपने बैंक खाते को एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, उसे क्या बोला जाता है, मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिनी डिजिटल कैमरा जनरली यूज इन वीडियो चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन है, वो कैमरा है दोस्तों वेब कैमरा। कौन सा कैमरा, वेब कैमरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, उसका एग्जाम्पल है दोस्तों हैंगआउट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जो स्टूडेंट हैंगआउट यूज किए होंगे उनको पता होगा, ठीक है दोस्तों, हैंगआउट इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है इज एन स्कीम विच www ब्राउजर यूज टू लोकेट साइट ऑन द इंटरनेट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक स्कीम है, कौन सा स्कीम है दोस्तों, जो www ब्राउजर इंटरनेट पर साइट का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, वो एक एड्रेसिंग है। क्या है, एड्रेसिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक एड्रेसिंग स्कीम है जो www ब्राउजर इंटरनेट पर साइट का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। द एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द नेट इज नोन एज, नेट पर किसी रिसोर्स का पता कहलाता है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको URL बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरे साइट के मेन पेज को URL पहचानता है दोस्तों, ठीक है। द एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द नेट इज नोन एज URL। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है दोस्तों। आई थिंक सभी लोग सेशन को एंजॉय किए होंगे। इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे दोस्तों जल्द ही आप लोगों को PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। और जो सीरियस स्टूडेंट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पे जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट वीडियो लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों शेयर करने की कोशिश करें, ताकि और भी स्टूडेंट को फायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक पार्ट और आएगा दोस्तों, ठीक है, लगभग उसमें भी लगभग 50-55 क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों साइंस का क्लासेस कंटिन्यू रहेगा, देख सकते हैं। साइंस में आपका फिजिक्स में इतना सारा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, एंड केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं इतना टॉपिक पढ़ना है। सभी का न्यूमेरिकल के साथ में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील किया जाएगा। इसलिए चैनल को डेली विजिट करते रहिए, प्रत्येक दिन 2 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो रहा है मॉर्निंग एंड इवनिंग में, जो कि सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।